हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी लेबल्स पॉसिबल होते हैं उस लेबल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और उसे नोट डाउन करते हैं। साथ में हम बात करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और इंट्राट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 स्टार्टेड अराउंड 11,922, मिड लो ऑफ 11,919, विच इज इमीडिएट लो, वी कैन से जो स्टार्टिंग हुई है वही लो है ऑलमोस्ट। एंड देन स्विंग इज अराउंड क्लोज टू, अगर आप स्विंग देखने के लिए जाए तो आपको 160 पॉइंट का स्विंग देखने को मिलेगा एंड क्लोज अबो, विच इज 159 पॉइंट अबो क्लोज हुआ है, गेन हुआ है एंड 12,050 का इंपॉर्टेंट लेबल ब्रेक किया है। सो निफ्टी क्लोज समय क्लोज टू 12,073। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी स्टार्टेड 31,065, मिड लो ऑफ 31,059, विच इज ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स बिलो एंड देन मिड हाई ऑफ 31,591। सो ऑलमोस्ट, इफ यू लुक एट दिस स्विंग इज ऑलमोस्ट 550 पॉइंट एंड क्लोज अराउंड 31,555। टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैं क्या समझ के चलना चाहिए। क्लोजिंग बहुत बेहतरीन हुई है। क्यों क्लोजिंग बेहतरीन हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा हमारे लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला गया था कि सेटअप पूरा बेरिश है, सेटअप नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर किसी तरह का न्यूज फ्लो होता है तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि क्या न्यूज फ्लो आया हुआ है। सैटरडे को जो सडनली महाराष्ट्र के अंदर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया गया, वो कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट किया है और जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर में देख सकते हैं। बट ये मूवमेंट सस्टेन करेगी नहीं सस्टेन करेगी, ये टोटली डिपेंड करता है आने वाले टाइम के अंदर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर क्या हो रहा है। सो दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में, बट पहले उसके देख लेते हैं FII और DII का पार्टिसिपेशन। सो एज एक्सपेक्टेड, FII है परचेज 960 करोड़ रुपीस का, उन्होंने परचेज किया हुआ है एंड DII ने 213 करोड़ की रिकॉल की हुई है। सो FII looks little bit positive now and 213 बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है तो इसके लिए इस पे कुछ ट्रेंड निकल के नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 ऑन चार्ट एंड हियर वी आर लुकिंग एट 11/25/11 का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। सो दोस्तों, एक चीज बहुत ही क्लियर कट देखिए, जहां पे शुरुआत हुआ वहीं से 15 मिनट के अंदर में जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, व्हिच इज अराउंड 11,959 के लेवल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उसे थोड़ा नेक्स्ट 15 मिनट्स में सस्टेन किया है नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर में फिर 45 मिनट्स में थर्ड लेवल को तोड़ा है और इस तरह से कंटिन्यूअसली तोड़ते हुए ऊपर गया हुआ है। सो ये सस्टेन मूवमेंट था, मूवमेंट वाज निफ्टी मूवमेंट वाज सस्टेन। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गॉट गुड, यू नो, गुड पॉइंट्स टुडे। सो वे फॉरवर्ड, कहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है या बात करें कहां पे सपोर्ट मिल सकता है। सो हम बात कर रहे थे सपोर्ट का। देखिए, जब अब मार्केट अगर यहां से नीचे गिरता है, सो फर्स्ट सपोर्ट विल बी समवेयर नियर हियर। एक आप यहां पे सपोर्ट लेके चलिए। सो 11 अगर मार्केट गिरता है तो 12,053 पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको एंड देन उसके नीचे जो सपोर्ट होगा 12,027 पे होगा। थर्ड सपोर्ट विल बी नियर बाय 12,009। दिस विल बी द सपोर्ट एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डे हाई, रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाई, फिलहाल के टाइम पे वही रेजिस्टेंस है बट विल ट्राई टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्शन चेन। लेट्स लुक एट ऑन डेली चार्ट निफ्टी ने कैसा काम किया है। सो कैंडल वाज रियली फैंटास्टिक, कैंडल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और ये कैंडल आप देख के बोल सकते हैं कि काफी बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है फिलहाल के टाइम में निफ्टी। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन है न्यूज का। सो अगर न्यूज पॉजिटिव निकलता है, न्यूज सही निकलता है, देन डेफिनेटली इसके ऊपर में काम होगा, रैली कंटिन्यू होगी एंड निफ्टी विल मेक न्यू डे, न्यू लाइफ टाइम हाई। बट इन केस इफ अगर न्यूज फेक निकलता है, इन दैट केस इससे ज्यादा स्पीड में निफ्टी गिरेगा। सो बी कॉशियस लिटिल बिट, आप न्यूज को ध्यान में रखें, न्यूज में क्या हो रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है। सो डेली पे कैंडल बहुत ही अच्छा है एंड जो डे हाई, लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, व्हिच इज लिटिल बिट, लेट मी शो यू द लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई है लगभग 12,100 के ऊपर है, वहां पे 12,100 के आसपास में, वहां पे आपको एक बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी ऑन ऑप्शन चेन। सो लेट्स लुक एट निफ्टी ऑन ऑप्शन चेन। निफ्टी 28 नवंबर 2019 का वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। सो लुक एट दिस नाउ।
सो डे बिफोर येस्टरडे व्हेन यू नो जब हमने लास्ट वीडियो देखा हुआ था, इन दैट वीडियो आपने देखा रहेगा 12,000 के ऊपर में 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट था. आज पोजीशन पूरी की पूरी रिवर्स हो गई है. वी कैन सी अनवाइंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट 21 लाख का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 9,34,000 चेंज इन इंटरेस्ट. बिकॉज ऑफ दैट आज ये जो यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुई, जो शॉर्ट कवरिंग चालू हुई, बिकॉज ऑफ दैट आज निफ्टी को ज्यादा मूवमेंट मिला, निफ्टी ज्यादा ऊपर गया हुआ है. बट अभी भी निफ्टी ने 12,100 क्रॉस नहीं किया हुआ है. बात कर लेते कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वी हैव 12,100 पे. सो एक बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 24,050. यहाँ पे 24,51,000 का वी हैव ओपन इंटरेस्ट. सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वी हैव 7. ओके सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज स्टिल, माफ करिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज स्टिल ऑन 12,000. सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज 24,51,000 का, व्हिच इज 12,100. एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज 12,200. So still range is 12,200. So you might face little bit resistance around 12,100 and then 12,200 is the ultimate resistance. So फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे resistance दिख रहा है upper side में. Lower side में फिलहाल we have highest open interest on 12,000 which is close to 50 lakh. So last time जब हमने बात किया था तो call के ऊपर में 50 lakh के आसपास में था open interest, अब put side में उतना है. क्यों? क्योंकि कॉल साइड के अंदर में आज अनवाइंडिंग हुई है लगभग 21.5 लाख इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट की, और पुट साइड में 28,67,000 की राइटिंग हुई है. 10 लाख की राइटिंग हुई है 12,050 पे, 8,90,000 ऑलमोस्ट 9,50,000 की राइटिंग 11,950 और 11,900 पे. देख के करंटली यस, आप चार्ट भी देख लीजिए, ऑप्शन चेन भी देख लीजिए, निफ्टी बुलिश दिख रहा है, नो डाउट इन दैट. बट अगेन आई एम सेइंग बी कॉशियस बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे ट्रेंड है. ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसे ट्रेंड नहीं दिखे हैं और ऐसे ट्रेंड रिवर्स नहीं हुए, ऐसी भी बात नहीं हुई है. सो अगर कहीं ये न्यूज फेक निकलता है या न्यूज में दम नहीं निकलता है, सो या अगर सीधे और सरल शब्दों में बोलूं, इन केस इफ बीजेपी इज नॉट एबल टू प्रूव हिज मेजोरिटी, देन यू विल गेट मोर फॉल देन दिस. जो आज आप इतना अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, इससे डबल आपको निफ्टी गिरते हुए दिखेगा, और सेम बैंक निफ्टी में भी होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ. इन अगेन लुकिंग एट दी 15 मिनट्स का चार्ट, बैंक निफ्टी आप देखिए मॉर्निंग से ही बुलिश और सस्टेन बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली हुई है. डेली चार्ट पे किस हिसाब से काम हुआ है, डेली चार्ट, ओके, इवन इन केस इवन यू कैन सी दिस ऑल्सो इन डेली चार्ट, ऑल बैंक निफ्टी ने मल्टीपल लेवल्स ब्रेक किए हैं. सिंस मल्टीपल लेवल्स ब्रेक किए, डेफिनेटली नए लेवल्स के बारे में बात होना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू लेवल्स. अगर अब बैंक निफ्टी गिरता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सो यूल गेट सपोर्ट, ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड लेवल 31,300 पे. यूल गेट अनदर ऑन समवेयर क्लोज टू 31,500. सो लेट्स मार्क इट. So somewhere nearby you'll get 31,487 के आसपास में आपको support मिलेगा. You'll get another support which is 31,400. So these are the support line. Where will be the resistance? We'll see your resistance. First resistance will be around 31,800. So 31,727, 31,800 will be the resistance level for Bank Nifty. Let's look at the option chain for Bank Nifty. So we are expecting 31,000, but since because of the news now we are again around 31,555. And if you look at the positions, the highest open interest still we have on 32,000 highest open interest, but we can see some अनवाइंडिंग. आई विल से बिकॉज ऑफ 90 ऑलमोस्ट 1 लाख चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है यहाँ पे, एंड वी कैन सी सम काइंड ऑफ लार्ज, इट्स नॉट अनवाइंडिंग बेसिकली, बट इट्स पोजिशन बिल्डअप हियर 1,03,000 का. सो हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज ऑन 32,000. ऑन पुट साइड द हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट विच इज 7,82,920 का, एंड इट इज ऑन 31,000. सो नाउ रेंज इज 31,000 टू 32,000. वी नीड टू सी टुमारो की कल ये रैली कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है. प्राइवेट फेसियल ऐसा नहीं लग रहा है कि कंटिन्यू होगी, मोस्ट ऑफली विल गो साइडवेज. आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में साइडवेज जाने की कल के दिन में शायद कोशिश होगी, बिकॉज जितना मूवमेंट होना था मूवमेंट हुआ. हाँ,
तो आपको 40-50 पॉइंट मूवमेंट अगर निफ्टी में मिल जाए, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाए तो हो सकता है इतना मिल जाए। इसमें ही मूवमेंट होना चाहिए, साइडवेज के अंदर में इसमें ही काम होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली एक बार मूवमेंट और देखने को आपको मिल सकता है। कोई भी प्रॉपर न्यूज आपको किसी भी तरफ का डायरेक्शन दे सकती है एक बार। सो ऑप्शन के अंदर में यस, लुकिंग एट दी कंडीशन, चारों अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एंड चार्ट, दे आर लुकिंग बुलिश करेंटली, बट अगेन कॉशियस आपको उसी पे न्यूज पे रहना है करके। लेट्स टॉक अबाउट दी इंट्राडे स्टॉक्स जिसको हमने बात किया था। सो आई हैव गिवन थ्री ट्रेड्स टुडे, बीपीसीएल, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। लेट्स स्टार्ट विद बीपीसीएल। सो बीपीसीएल वी हैव परचेस्ड, लेट मी गिव यू द डेटा। सो फर्स्ट कॉल वॉज इन टेक महिंद्रा बेसिकली। सो टेक महिंद्रा मैंने बाय किया हुआ था आज के दिन में, जो था करंट मार्केट प्राइस पे मैंने बाय किया हुआ था, सेमर क्लोज टू 759 के आसपास में मैंने बाय किया, 759.75 पे मैंने बाय किया हुआ था। एंड टारगेट लिया था, फर्स्ट टारगेट 764 और 770 का। It moved up till 765.70 and then returned from there. So मैंने उसमें profit book किया हुआ है। Second call was on the Tech Mahindra हो गया, second call was Wipro के ऊपर मैं second call दिया हुआ था, and expected ये था कि it will go up till 244-246 level, but it moved up till 243.80, so 20 पैसे से टारगेट मिस हुआ है। बट सिंस आज अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपने देखा रहेगा कि मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ। अगर आप लोग ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको एक रुपये भी देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो इंटरडे कॉल्स होते हैं, इंटरडे कॉल्स उसके अंदर में मैं देता हूँ। सो मैंने जो कॉल्स आज के दिन में, जैसा ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि हमने महिंद्रा टेक महिंद्रा दिया हुआ था, विप्रो के बारे में बात कर रहे हैं। विप्रो ने अपना टारगेट 20 पॉइंट से मिस किया, बट टीएसएल की वजह से उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एंड लास्ट कॉल जो था वो बीपीसीएल का था। बीपीसीएल का जो कॉल था वो मैंने दिया हुआ था, मैंने लिया हुआ 508.42 में मुझे मिला हुआ था, और टारगेट वॉज 512-514। इट मूव्ड अप टिल 514.80 एंड उसमें भी प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो जब भी मेरा कोई भी कॉल आता है उस कॉल पे मैं टीएसएल लगा के काम करता हूँ, व्हिच इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डोनर इन मार्केट। डोनर मींस व्हाट एग्जैक्टली? आई डोंट वांट टू गिव माय मनी टू दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। लेके ही निकलना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलना है। हार्डली ऐसा होता है कि कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होता है। सो एक बार मैं प्रॉफिट में जाता हूँ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ दोस्तों। सो इसी तरह से कल भी कॉल देंगे, उस कॉल के ऊपर मैं देखे, अगर आई एम डैम श्योर कि आपने कॉल देखा रहेगा और आपने इस तीनों कॉल्स के अंदर में प्रॉफिट बुक की रहेगी। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आपको इसी तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली व्यू चाहिए, साथ में आपको इंट्राडे स्टॉक्स भी चाहिए, सो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।